हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज मैं आ गया हूँ आपको सेक्टर 19 लेके। सेक्टर 19 में जो 3 BHK, 2 BHK और AWS के जो फ्लैट आ गए हैं उसको दिखाने के लिए मैं आ गया हूँ। जैसे कल आपने मेरी वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने सेक्टर 14 के 1 BHK, 2 BHK और AWS के फ्लैट दिखाए थे, तो वही आज मैं सेक्टर 19 के पास आ गया हूँ। सेक्टर 19 द्वारका में एक गोल्ड लिंक रोड के पास आ गया हूँ। और आप जरा फ्लैट दिखा दीजिए, टावर कितने सारे हैं यहाँ पे, सारे इतने भी आप टावर देख रहे हैं सारे 3 BHK 2 BHK के। ठीक है, सारे मेरी वीडियो में आपको नजर आएगी सारे, और देख सकते हैं सारे टावर। कोठी में पार्क वाला एरिया दिखा दीजिए, कितना शानदार पार्क है, सारे पार्क है, अभी काम चल रहा है यहाँ पे। और ये वाला एरिया दिखाइए जरा पब्लिक को, ये वाला एरिया दिखाइए सारी, ये पार्क एरिया है, अभी काम चल रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको जो वाला टावर दिख रहा है रेड वाले लास्ट में, जो वो रेड वाले टावर दिख रहे हैं लास्ट में, वही AWS के टावर है। मैं आपको वहाँ ले जाता हूँ और आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगा एक एक चीज मेरी वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, जो भी मेरा चैनल देखे प्लीज़, मैंने अभी ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है और मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब करके जाइएगा, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कोई भी मेरी गलती होती है तो उसको इग्नोर करके माफ़ करना मुझे, जो भी मेरी गलती होती है मुझे आगे बढ़ने का मौका दीजिए जिससे मैं आगे बढ़ूँ और मुझे मोटिवेशन मिले। ठीक है, आगे मैं आपको दिखाता हूँ AWS के फ्लैट। ठीक है, ये लिविंग रूम है वो गाइस, देख सकते हैं आप लोग, ये है ये वीडियो में 3 BHK HIG का फ्लैट दिखा रहा हूँ आपको, सेक्टर 19 द्वारका में, जो किचन में देख सकते हैं, ये ड्राइंग रूम का ही स्पेस है, किचन का स्पेस है। ये फर्स्ट बेडरूम देख सकते हैं आप लोग, इसके साथ भी अटैच बालकनी है। ये इसका बाथरूम है, ये रूम का साइज, सेकंड रूम, ये रहा सेकंड, ये सेकंड रूम देख सकते हैं। इसके साथ भी ये खाली स्पेस है और इसके साथ भी अटैच बाथरूम दे रखा है और इसके साथ भी बालकनी है। ये बालकनी का एरिया देख सकते हैं आप लोग, बालकनी से ऐसे नज़ारे, फ्लैट के बाहर का एरिया है ये, गार्डन एरिया। इसके थर्ड बेडरूम में आपको ले चलता हूँ, थर्ड बेडरूम ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ये 3 BHK दिखा रहा हूँ मैं आपको। इसका साइज ये रहा 11x13 का, और ये हर फ्लैट के साथ बालकनी दे रखी है, अटैच टॉयलेट। ये अलमीरा का स्पेस है, ये बाहर का डोर, और ये भी और इसके साथ ये रेस्ट का टॉयलेट, सबके साथ अटैच टॉयलेट दे रखा है 3 BHK के साथ। इसका सर्वेंट रूम दिखा देता हूँ मैं साथ, ये आगे का बालकनी का एरिया, इसका सर्वेंट रूम ये रहा, ये सर्वेंट रूम है यहाँ का 3 BHK के साथ। और उसका बाथरूम, ये उसका बाथरूम है, अंधेरा ज़्यादा है थोड़ा सा, इसका साइज दिखा देता हूँ सर्वेंट रूम का, ये जो दिखा रहा हूँ मैं 3 BHK दिखा रहा हूँ आपको, 3 BHK जो ये पूरा फ्लैट का नज़ारा 3 BHK का है, 3 BHK। पूरा बाथरूम का दिखा दीजिए,
किचन दिखाइए पूरी, किचन का साइड किचन दिखाइए, बाथरूम किचन की साइड के बाथरूम दिखाइए। चलिए मैं आपको फर्स्ट बेडरूम दिखा देता हूँ, 3 BHK का। आइए, गोल्ड का है तो ये फर्स्ट बेडरूम है, 3 BHK का देख सकते हैं। और यहाँ पर आपका अलमीरा भी दे रखा है और इसका टॉयलेट दिखा दीजिए एक बार जरा पब्लिक को। बालकनी का एरिया दे रखा है, ये अटैच बालकनी है। ये मैं आपको सेकंड बेडरूम में देखने के चलता हूँ। ये सेकंड बेडरूम है, आप देख सकते हैं, ये सेकंड बेडरूम है। और ये यहाँ का वॉशरूम हो गया, यहाँ पे अलमारी लगा सकते हैं अपनी। और इसके साथ ही बालकनी में रखी है, ये वाला स्पेस कोड बालकनी का है। और ये मैं आपको तीसरे बेडरूम में लेके चलता हूँ। ये तीसरा बेडरूम है, तीसरा बेडरूम आपको ये वॉशरूम है और ये आदमी का स्पेस है खाली, यहाँ पर आप अपना अंदर वगैरह सेट कर सकते हैं, देख सकते हैं आप बाथरूम में ला देंगे तो कम्प्लीट देख पा। देख सकते हैं बाहर का स्पेस है ये टोटली, लिफ्ट है, लिफ्ट दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट का एरिया है, एक फ्लैट दो फ्लैट और सर्वेंट रूम, ये इसका सर्वेंट रूम है। इधर सर्वेंट रूम का यहाँ से फ्लैट स्टार्टिंग है, ये फ्लैट और ये सर्वेंट रूम, यहाँ से एंट्री है। और एंट्री के बाद ये आप लोग देख सकते हैं लिफ्ट, ये लिफ्ट है। हाँ गाइस, आप देख सकते हैं सेक्टर 19 के बाहर में आ गया हूँ और बाहर में पार्क देख सकते हैं, कितना बड़ा पार्क दे रखा है यहाँ पे। और इसके नीचे बेसमेंट में पार्किंग है और जितने भी टावर देखिए यहाँ पे सेक्टर 14 से ज़्यादा टावर है, सेक्टर 14 में कम है और यहाँ पे ज़्यादा टावर है, देख सकते हैं सारे 3 BHK के टावर है ये। अभी इनके फॉर्म जो निकलेंगे 2 BHK 3 BHK के, 30 तारीख से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, ठीक है। अब देख सकते हैं टोटल, अभी मैं आपको EWS के फ्लैट दिखा देता हूँ। 19 कल मैंने बोला था सेक्टर 19 का आपको 3 BHK और EWS के फ्लैट आपको दिखाऊंगा, तो आपको मैं आज वही फ्लैट दिखाने के लिए आ गया हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, जो भी मेरी वीडियो देखें वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है, रिक्वेस्ट है। और आपको मैं जो भी टावर देख रहे हैं सारे, सेक्टर 19 में हूँ मैं अभी, ठीक है। EWS के फ्लैट मैं आपको दिखाता हूँ सेक्टर 19 के अंदर कैसे हैं अभी, ठीक है। कल सेक्टर 14 का दिखा दिया था मैंने और सेक्टर 19 के मैं आज दिखाने आया हूँ, ठीक है। जो भी मेरा ब्लॉग देखे उससे आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, बस थैंक यू। पार्क का एरिया भी काम चल रहा है, यहाँ पे सब जगह काम चल रहा है, ये सारे टावर हैं। सारे EWS के फ्लैट है और इधर भी आप मेरे बैक साइड में दिखाइए, ये सारे 2 BHK 3 BHK के फ्लैट है, पेंट हाउस इसी के अंदर है। EWS फ्लैट और EWS के बाहर का पार्क देख सकते हैं, इस तरीके का नज़ारा है बाहर का। जितने भी टावर देख रहे हैं ये सारे EWS के टावर हैं, ठीक है। किचन इसी में दे रखी है इसकी, बेडरूम दे, हाँ बेडरूम, एक मिनट यार। हाय गाइस, ये अभी मैं EWS फ्लैट द्वारका सेक्टर 19 में आ चुका हूँ और अब ये लिविंग रूम है, देख सकते हैं लिविंग रूम के अंदर ही किचन दे रखी है,
और ये बाहर का बालकनी का एरिया है, ये बालकनी का एरिया बाहर का। उधर मेन रोड है, वो देख सकते हैं, उधर मेन रोड है और ये बालकनी का एरिया है स्पेस। ये किचन ही ड्राइंग रूम में दे रखी है। ये बेडरूम देख सकते हैं AWS का, उधर अलमेरी का ऑप्शन दे रखा है। बेडरूम काफ़ी छोटा है, 1, 2, 3, 4, 5 10 बाय 8 का ही आप देख सकते हैं बेडरूम है, 10 बाय 8 का, ठीक है। और आपको मैं इसकी AWC दे रखी है, ये वॉश और ये बाथरूम है। AWS में ये फ्लैट दिखा दिया मैंने प्रॉपर आपको, इसका लिविंग रूम में ही किचन दे रखी है। ये आपको मैं किचन के कोने से दिखा देता हूँ कितना बड़ा लिविंग रूम है। लिविंग रूम में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 बाय 14.5 1, 2, 3, 4, 9 बाय 14.5 के आसपास का, 10 बाय देख सकते हैं। जो सेक्टर 19 द्वारका का AWS का फ्लैट है, लिविंग एरिया इस तरफ भी फ्लैट है, ये स्टेयर है और इधर का लिविंग एरिया ये है। अब मैं नीचे उतर रहा हूँ और ये स्टेयर का लिफ्ट भी है, लिफ्ट अभी बंद है अभी। और ये आपको दोबारा AWS के पार्क दिखा देता हूँ, ये AWS के टावर है सारे। पार्किंग है, पार्किंग है, बेसमेंट है, सब कुछ सेम ही है ऐसे। ये देख सकते हैं नीचे का एरिया है, ये AWS फ्लैट के नीचे का एरिया देख सकते हैं, अभी भी काम चल ही रहा है। ये सोसाइटी के लिए एक बरातघर बना रखा है जिसमें अपना शादी पूजा पाठ जो भी कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। इसको मैं दिखा देता हूँ आपको, यदि लाइट जल रही होगी तो मैं अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ, लेकिन बाहर से तो मैं आपको दिखाई देता हूँ। और जितने भी टावर देख रहे हैं इसमें सब 3BHK 4BHK पेंट हाउस है। और ये खाना पीना बनाना, ये वाला जो टावर है सारे इधर के, ये AWS के टावर है। और मेरी वीडियो में देख लेना, AWS की पूरी फ्लैट की वीडियो आ रखी है, ठीक है, आप देख सकते हैं। ये वाला वीडियो दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी पार्टी वार्टी कुछ भी कर सकते हैं, दिखा देता हूँ आपको मैं, यदि खुला होगा तो। ये किचन विचन दे रखी है देख सकते हैं, बाथरूम है, सॉरी ये बाथरूम है, थोड़ी लाइट है का इशू है, थोड़ा देख लीजिएगा, पब्लिक परमिशन लेके बना रहा हूँ मैं थोड़ी सी। ये बरात घर दे रखा है, वहाँ से भी एंट्री है और एक यहाँ से भी एंट्री है, काफ़ी बड़ा स्पेसियस है बरात घर ये DDA का, देख सकते हैं। मेन डोर ये वाला है, ये कांच है, इससे आगे वाला डोर जो है वो मेन डोर है। और आपके लिए ये मैं वीडियो बनाने आऊँ रात के टाइम, शाम हो गई है बनाते बनाते, कृपया जो भी मेरा ये वीडियो देखे चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, रिक्वेस्ट है आपसे। ये बरात घर है पूरा जिसमें आप पूजा पाठ शादी वादी कर सकते हैं, बर्थडे पार्टी वगैरह। इसके ऊपर भी है, ठीक है, इसके ऊपर भी है, ऊपर का नज़ारा भी। जब यहाँ तक आ गया हूँ तो आपको दिखाई देता हूँ, लेकिन अंधेरा है, सेम टू सेम ही है वैसे ऊपर का भी। ये बरात घर दे रखा है, यहाँ की पब्लिक के लिए जो भी अपना फंक्शन वगैरह कर सकते हैं। ये छोटा एक और हॉल दे रखा है वहाँ पे, ये एक हॉल दे रखा है, एक हॉल ये रहा पूरा, ठीक है। वॉशरूम वगैरह दिखा देता हूँ आपको, ये दिखाता हूँ इधर क्या है, वो आ गया, इस खाली स्पेस है। ये एक रूम दे रखा है, काफ़ी स्पेशियस है। और ये जीना है नीचे उतरने का,
इधर टॉयलेट है। तो बाहर से दिखा देता हूँ, 2 फ्लोर का है ये, ठीक है। और इसमें कोई भी EWS वगैरह कोई भी इसको बुक करा सकता है, जब ये यहाँ पर रहने लग जाएंगे आम जो इसके अंदर रहता है वो इसको बुक करा सकता है। ये बरात घर टाइप का है जिसमें अपना फंक्शन कर सकते हैं, ठीक है गाइस। देख लीजिए मैंने सारी चीज़ आपको दिखा दी है, अभी नाइट हो गई है, शाम हो गया, बिल्कुल नज़ारा देख सकते हैं इस फ्लैटों का। देख लीजिए ये सारे टावर 4 BHK 3 BHK इन सब भी टावर के अंदर हैं। जो सैम्पल फ्लैट लेडी हुए थे वो मैंने आपको दिखा दिए हैं, ठीक है। कृपया जो भी मेरी वीडियो को देखेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके ज़रूर जाइएगा, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक है। जैसे मैंने कल बोला था कि मेरी ये सेक्टर 19 की वीडियो आएगी और आप लोगों के लिए आ चुकी है, जो भी मेरी वीडियो देखे कृपया उस चैनल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। मैं देखता हूँ आपको लोकनायकपुरम की भी वीडियो में 1-2 दिन के अंदर, संडे से पहले मेरी लोकनायकपुरम की भी वीडियो मैं आपको पब्लिश कर दूंगा मेरे चैनल पे। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल भी इनेबल कर दीजिएगा, जिससे जो भी मेरी वीडियो नई वीडियो आएगी आपको मिल जाएगी। देखता हूँ मैं संडे से पहले लोकनायकपुरम की भी वीडियो मेरे इस चैनल पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं शाम का व्यू कितना अच्छा लग रहा है फ्लैटों का। अब वो देख रहे हैं कि जहाँ पे लाइट जल रही है वो पेंट हाउस है, और ये 3 BHK और 4 BHK की पूरी बिल्डिंग है, पूरे टावर हैं। ये पीछे पार्क देखो कितना बड़ा पार्क है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा पार्क है, ठीक है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आपको मेरी इस वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करके जाइएगा, और आपसे मेरी दिल से रिक्वेस्ट है, ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा प्लीज़। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो संडे से पहले मैं आपको लोकनायकपुरम की भी EWS की और वहाँ की वीडियो मैं आपको लेके आऊँगा संडे से पहले, ठीक है। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।